हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूनम्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आवर टुडेज टॉपिक इज यूनिट 6 ट्रांसपोर्ट, चैप्टर 15 ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट ईवीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी होल लेसन टू इजी अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे? यहाँ पे लिखा है कि आप कैसे आते हो रोज स्कूल, कैसे आते हो, बस से आते हो या ऑटो रिक्शा से आते हो या आपके पापा की बाइक से या स्कूटर से आते हो या बाइक कार आते हो, तो ये आपको लिखना है। सम ऑफ अस वॉक टू स्कूल इफ वी लिव नियर बाय। सम ऑफ अस वॉक टू स्कूल यानी कि हमारे में से कोई चल के आता है स्कूल इफ वी लिव नियर बाय। अगर हम पास में रहते हैं तो हम चल के भी जा सकते हैं स्कूल में। सम ऑफ अस ट्रैवल बाय बस और ऑटो रिक्शा, हम में से कोई ऑटो रिक्शा से जाता है या फिर बस से जाता है। सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल बाय कार, और कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो कार से आते हैं। हाउ वुड यू लाइक टू ट्रैवल टू स्कूल एवरी डे? तुम्हें किसे कैसे ट्रैवल करना पसंद है रोज, यहाँ पे आपको लिखना है। वी नीड व्हीकल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, यानी कि जाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। वी ऑल्सो नीड व्हीकल्स टू सेंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हमें व्हीकल्स की यानी कि गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है टू सेंड, भेजने के लिए गुड्स, सामान, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने के लिए व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। दीज व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन व्हीकल्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखते हम लेसी कौन से ट्रांसपोर्ट है। लैंड ट्रांसपोर्ट, इन मेनी प्लेसेस पीपल यूज एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि रास्ते पे जो चलने वाले ट्रांसपोर्ट है वो लैंड ट्रांसपोर्ट। पीपल्स यूज एनिमल्स, लोग एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ये देखिए कैमल यहाँ पे कुछ लोगों को लेकर जा रहा है, तो एनिमल का इस तरह से यूज होता है। ये देखिए एलिफेंट का भी यूज हो रहा है, ये है बुलक कार्ट, बैलगाड़ी का भी यूज हो रहा है। दे मूव ऑन लैंड, और वो रास्ते पे चलते हैं। इन हिली एरियाज पोनीज एंड म्यूल्स कैरी पीपल एंड गुड्स। इन हिली एरियाज यानी कि जो हिल वाले एरियाज रहते हैं, जो माउंटेन वाले, वहाँ पे पोनीज और म्यूल्स कैरी पीपल एंड गुड्स, यानी कि क्या करते हैं पीपल, पोनीज एंड म्यूल्स क्या करते हैं, कैरी लोगों को और सामान को कैरी करते हैं। इन डेजर्ट्स द कैमल इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स। और डिजर्ट के एरिया में कैमल ही एक सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है पीपल और गुड्स को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का काम कैमल करता है। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कॉमल जो कैमल है उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स। बुलक कार्ट और हॉर्स कार्ट, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है पीपल्स और गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। बाइसिकल्स, ऑटो रिक्शा, स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, कार्स एंड बसेस आर यूज फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए जो बाइसिकल्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, रिक्शा होते हैं, कार होते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेन्स, बसेस एंड ट्रक्स कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और ट्रेन, बसेस और ट्रक्स जो पैसेंजर्स कैरी करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन, ट्रक और बसेस का इस्तेमाल होता है। वेरी बिग सिटीज हैव लोकल ट्रेन फॉर पीपल टू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। ये देखिए ये लोकल ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन
बड़ी बड़ी सिटियों में पाए जाते हैं, और ये ट्रेन जो होती है सिटी में अलग अलग एरिया में लोगों को ट्रैवल करने का इस्तेमाल होता है ये ट्रेन का। मेनी सिटीज लाइक कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली नाउ हैव अ ट्रेन कॉल्ड मेट्रोज। अब मेनी सिटीज यानी कि बहुत सारी सिटीज जो है लाइक कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली ट्रेन से जिन्हें मेट्रोज कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये देखिए ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, स्मॉल बोट्स एंड मोटर बोट्स कैरी पीपल एंड गुड्स अक्रॉस रिवर्स। जो स्मॉल बोट होते हैं और जो मोटर बोट होते हैं, मोटर पे चलने वाले बोट होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवर्स पे चलते हैं, रिवर्स पे पीपल और गुड्स को लेकर जाते हैं क्रॉस करके, मतलब रिवर पार करके लेकर जाते हैं। शिप्स एंड लाइनर्स कैरी पीपल एंड गुड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस अक्रॉस द सीज एंड ओशियंस। और जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, लाइनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, शिप्स पे या ओशियंस पे, वो क्या करते हैं, सीज पे यानी कि समंदर, ओशियंस यानी कि महासागर पे कैरी करते हैं पीपल और गुड्स को, बड़े बड़े डिस्टेंस, बड़े बड़े डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर। ये देखिए एयर ट्रांसपोर्ट है, और एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्ट वाला ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट है, और वो एयर यानी हवा पे जाता है। वी कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन वेरी शॉर्ट टाइम बाय एरोप्लेन्स। हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइम में, यानी कि बहुत ही कम टाइम में हम लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि फॉरेन कंट्रीज हम जा सकते हैं एरोप्लेन से। हेलीकॉप्टर्स आर यूज फॉर फ्लाइंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज, और हेलीकॉप्टर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। गुड्स कैन ऑल्सो बी सेंड थ्रू कार्गो प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। ये देखिए कार्गो प्लेन्स और हेलीकॉप्टर से गुड्स भी क्या कहे जाते हैं, कैरी मतलब सेंड किए, गुड्स सेंड किए जाते हैं। क्लासरूम एक्टिविटी, रिसाइट दिस लाइन्स विद द टीचर। ये लाइन्स टीचर्स के साथ रिसाइट करने हैं। ट्रेन्स ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड इन विदाउट फेल। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। ये कुछ लाइन्स है पोएम की, आपको टीचर के साथ रिसाइट करनी है। नेक्स्ट, रिमेंबर, फर्स्ट वी नीड व्हीकल्स टू ट्रैवल और सेंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, या फिर गुड्स भेजने के लिए, सामान भेजने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे। सेकेंड, ऑल व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सारे व्हीकल्स को क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। थर्ड, इन सम प्लेसेस एनिमल्स आर ऑल्सो यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कुछ जगहों पे एनिमल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, नेम एनी थ्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक के तीन तीन नाम लिखने हैं। फर्स्ट, व्हीकल्स ड्रॉन बाय एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के द्वारा जाने वाले गाड़ियाँ, चलने वाली गाड़ियाँ। फर्स्ट है बुलक कार्ट, सेकेंड हाउस कार्ट, एंड थर्ड वाला है कैमल कार्ट। सेकेंड, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से, बोट, शिप एंड लाइनर्स। थर्ड, व्हीकल्स विथ टू व्हील्स, दो पहियों पे चलने वाले गाड़ी, बाइसिकल, मोटर बाइक एंड स्कूटर। सेकेंड, मैच द फॉलोइंग, आपको ये मैच करना है। यहाँ पे कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी दिया हुआ है, करेक्ट पेयर जोड़ना है। वन नंबर, गुड्स ट्रेन, जो ट्रेन गुड्स ट्रेन जो होती है वो कैरीज हैवी लोड यानी कि भारी भरकम सामान कैरी करती है। कैमल, कैमल क्या करता है, कैमल इज अ कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन जो होती है वो पैसेंजर्स को कैरी करते हैं इन बिग बिग सिटीज। तो यहाँ पे आएगा
लोकल ट्रेन का पेयर है कैरी पैसेंजर्स इन वेरी बिग सिटीज. एरोप्लेन ट्रेन का है फ्लाइज इन द एयर. थर्ड टेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर को टेक करना है. फर्स्ट विच वन ऑफ दिस इज द फास्टेस्ट मूविंग व्हीकल. इसमें से सबसे फास्ट मूविंग व्हीकल कौन सा है वो आपको टेक करना है. यहाँ पे बुलक कार्ट. बुलक कार्ट तो इतना फास्ट नहीं है. साइकिल रिक्शा भी नहीं, ऑटो रिक्शा भी नहीं. उससे सब इन तीनों में से ज्यादा है कार. तो कार को यहाँ पे टिक करना है. सेकेंड विच व्हीकल इज यूज टू कैरी गुड्स. इसमें से कौन सा व्हीकल गुड्स कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बाइसिकल तो नहीं, मोटरसाइकिल पे भी गुड कैरी नहीं करते, ऑटो रिक्शा में भी नहीं, तो ट्रक पे करते. तो यहाँ पे ट्रक को ट्रिक करना है. थर्ड नेम द एनिमल यूज इन हिली एरियाज. हिली एरिया में कौन से एनिमल इसमें से यूज किया जाता है. काऊ नहीं, कैमल भी नहीं, म्यूल किया जाता है. हिली एरियाज में यूज किया जाता है, एलिफेंट भी नहीं. तो यहाँ पे आपको म्यूल पे टिक करना है. फोर्थ विच वन ऑफ दिस व्हीकल्स रन्स ओनली ऑन ट्रैक्स. इसमें से कौन से व्हीकल्स जो ट्रैक में ही रन करते, ट्रैक पे ही चलते. ट्रेन सिर्फ ट्रैक पे चलते हैं, तो ट्रेन को यहाँ पे टिक करना है. चिल्ड्रंस आज का ये चैप्टर अच्छे तरह से आपको मैंने समझा दिया है क्वेश्चन आंसर के साथ. वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा.